हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है एक वीडियो को देखने के बाद, और उन्होंने कहा है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, आपके में हो जा रहा है। मैंने एग्जैक्ट कॉपी किया है आपके कोड को HTML में, और ये मेरे में नहीं हो रहा है, आपके में हो जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको नोट पैड पे भी करके वो चीज दिखा देता हूँ। एक्चुअली एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पर पर्टिकुलर कलर लगाने के लिए ये कोड था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ HTML टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पे हेड टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ जैसे ही नीचे, तो यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ। तो टाइटल हमारा है पैराग्राफ कलर, ठीक है, या फिर कलर दे देता हूँ सिर्फ COLOUR, ठीक है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अमेरिकन इंग्लिश का यूज करना है। यहाँ पर हमने ब्रिटिश इंग्लिश यूज किया है, यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कोड लिख रहे हैं वहां पर अमेरिकन इंग्लिश का यूज बहुत जरूरी। यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं, ये लीजिए हेड को भी क्लोज कर दिया मैंने। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बॉडी टैग लगा लेते हैं, ये बॉडी टैग लगा लिया। अब यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल का प्रयोग करके दिखाता हूं। तो ये लिखा मैंने पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डबल ट्रेड कोट्स में लिख रहा हूँ COLOR, कलर, कलर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ये हमने ब्लू कर दिया, ओके। और अगर आप चाहते हैं साइज भी देना तो साइज भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आपको खाली क्या करना है, टर्मिनेशन देना है, ठीक है, ऐसे। और यहां पर आपको देना है फॉन्ट साइज, ये लिखिए इस तरह से, फॉन्ट साइज इस तरीके से। और यहाँ फिर कॉलन लगाइए, और साइज भी दे सकते हैं 40 पिक्सल, यहाँ पे दे दिया मैंने, और अब इसको क्लोज कर दिया मैंने। लिखना क्या है, लिखना है HTML, ठीक है, ये मान लीजिए HTML लिखना था। अब इसको क्लोज किया, यहां से पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, ओके, इस तरीके से यहां पे आके, ओके। अब यहां पर बॉडी को क्लोज करता हूं और HTML को भी कर देता हूं क्लोज। तो ये बॉडी क्लोज किया और फिर HTML को क्लोज करता हूं, ठीक है। देखते हैं पहले ये कलर हमारा प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं। तो अब इसको सेव कर रहा हूं, देखिए, फिर UR.HTML, color.html से इसे सेव किया और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। अब देखिए डेस्कटॉप पे ये बन के आ जाएगा, ब्राउजर का आइकन, ये देखिए ब्राउजर का आइकन बन गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए बस, आप जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये देख सकते हैं HTML जो है यूजुअली बड़े साइज में आ रहा है, ये देखिए बड़े साइज में आ रहा है कि नहीं। और ये कलर देखिए कलर कौन सा है। अब अगर मैं बात करूं इसमें चेंजिंग करने की, मैं फिर दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर बिगिनर है तो दिक्कत होगी, क्योंकि बिगिनर जल्दी जल्दी करते हैं काम और वो ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, दूसरा कोड क्या लिखते हैं इसी कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी कर लिया और फिर नीचे आएंगे यहां पर, और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, साइज भी चेंज करूंगा। तो ये देखिए कलर में चेंज मैंने चेंज किया, यहाँ पे कर दिया रेड, RED रेड कर दिया। आप कोड भी लिख सकते हैं, अगर आपको CSS की नॉलेज है तो कलर का कोड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइज चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 20 पिक्सल, ओके। अब इसको सेव करता हूँ, यहां से जाके सेव किया, और अब देखिए अब इसी चीज को चलाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बड़े साइज में है, ये यूजुअली छोटे साइज में है, और कलर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बात करें और चेंजिंग करने की, तो यहाँ पर और चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसी कोड को मैं यहाँ पर फिर कॉपी करता हूं और इस बार कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए ग्रीन कर दिया। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, वैसे ये छोटी बात है। यहाँ पे देखिए ये 140 पिक्सल मैंने साइज कर दिया, और 140 करने के बाद यहाँ पर इसको सेव कर दिया, और फिर चलते हैं इसको रन करवाते हैं। तो ये देखिए डबल क्लिक किया, अब देखिए ये काफी इनसे काफी बड़ा हो गया इसका साइज। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। और भी कोई कलर देना चाहे तो यहाँ पे आसानी के साथ दे सकते हैं, इसी कोड को उठाइए नीचे पेस्ट कर दीजिए। और अब कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर कर देता हूँ लाइक वायलेट, ओके, ये इस तरीके से वायलेट कलर कर देना है हमें। और अब इसको यहां से सेव कर दीजिए। साइज चेंज करना चाहते हैं तो साइज भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं साइज कर देता हूँ 90 पिक्सल, ओके। तो हर साइज मैंने अलग अलग दिया है, आप देख सकते हैं दोनों ही मैं दे रहा हूं, और आसानी के साथ ये होता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।